एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल गाइस, आप सभी सिरनाजियंस के लिए लेकर आए हैं बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ, सिरनाज से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो उससे पहले करिए वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ ताकि आगे भी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। सो गाइस, सिरनाज का पहला प्रोजेक्ट भुला दूंगा, भाई उसे कौन भूल सकता है। उससे सिरनाजियंस की इस तरीके से इमोशनल अटैचमेंट है कि वो चाहकर भी उसे नहीं भूल सकते, क्योंकि भाई सिरनाज का ये पहला प्रोजेक्ट था। कल के दिन इस गाने के जो था पहला पोस्टर जो रिलीज़ हुआ था उसको एक साल हो चुका है। अब बता दें आपको, भुला दूंगा अभी एक साल होने वाला है बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में। इस हैशटैग ने इंस्टाग्राम पर भी 1M पोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, एंगेजमेंट रेटिंग आ गई है सामने, है जो है 1M पोस्ट हो चुकी हैं 1 मिलियन के आसपास इसकी। तो आप समझ सकते हैं कि भुला दूंगा भी किस तरीके से हैशटैग यूज़ किया जा रहा है। और भाई ऐसा तो बहुत कम ही देखा जाता है कि किसी के गाने के हैशटैग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो। ये तो सिर्फ बहुत बड़े जो हाई सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन्हीं के साथ ऐसा देखा गया है। विद इन जो यू नो बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे सेलेब्स होते होंगे जिनके गाने को लेकर इतना प्यार बहुत कम देखा गया है, लेकिन फिर भी सिरनाज का हैशटैग यानी भुला दूंगा जो गाना पहला था उसको इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और अभी भी इस हैशटैग को यूज़ किया जा रहा है। तो इससे अटैचमेंट नहीं कहेंगे तो और आप क्या कहेंगे? कमेंट डाउन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।